Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं उसकी बहन को किडनैप करवाऊंगी? ये तो तुम्हें ही पता होगा। Come on, Shobhi, stop acting nonsense. सुने ना, एक बात याद रखना। अगर इसके पीछे तुम निकली ना, तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगी। शोभी, इतने भी अनरीजनेबल नहीं बनो तुम। मैं दुबई में बैठी हूँ और तुम कराची में होने वाले क्राइम की जिम्मेदारी मुझ पर डाल रहे हो। थोड़ा सा तो ख्याल करो। तुमसे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है सुनैना। शोभी, तुम खामखा में माया की बातों में आ रहे हो। मैं कोई बच्चा हूँ जो किसी की बातों में आ जाऊं? शोभी, मुझे तो ये पूरी फैमिली ही बहुत अजीब लगती है। अब खुद देखो, बहन एक वाह हो गई, बाप का कोई और अलग मसला होगा और माया तुम्हारे सामने है। अभी भी वक्त है, उससे पीछा छुड़वा लो। फजूल बातें मत किया करो मेरे साथ, समझे? एक काम करो, तुम भी दुबई आ जाओ। I am having the best time of my life here. मिलकर enjoy करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अफजाल साहब, आपने हमारी बड़ी मदद की। अरे नहीं शोएब साहब, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? जब तक आपकी बेटी मिल नहीं जाती, मैं उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठूंगा। आप मेरे साथ थाने गए, रिपोर्ट दर्ज करवाई, यही एहसान क्या काम है आपका? बस आप दुआ कीजिएगा कि आपकी बेटी जल्द अज जल्द बाजियाब हो जाए। आमीन आमीन। ये लड़का कौन था? कोई नहीं। इससे पहले भी मैं आपके घर आया था तो तब भी ये आया हुआ था। आपने तब भी इसे बुरी तरीके से डांटकर घर से निकाला था और आज भी। आखिर ये है कौन? अरे ऐसे ही फारिग लड़का है, मेरी दोनों बेटियों को परेशान करने के लिए आ जाता है। क्या मतलब? अमृत के साथ पढ़ता था, फिर उसे धोखा दिया, साथ में माया को भी धोखा दिया। अच्छा, शक्ल से तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अरे अफजाल साहब, किसी की शक्ल पे थोड़ी लिखा होता है कि वो ऐसा है कि ऐसा नहीं। ठीक कह रहे आप। एनीवे, मुझे इजाजत दीजिए। जैसे आपकी मर्जी, आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। बहुत शुक्रिया। प्लीज आप कहाँ रह गए थे? तुम्हें क्या? क्या हो गया है वहाब? मैंने तो आपसे बस एक बात ही पूछी है। तुम होती कौन हो मुझसे कुछ पूछने वाली? फूफो इंतजार कर रही थी आपका। मैंने उनसे कहा कि आप जाकर सो जाइए, मैं इंतजार कर लूंगी। क्या जरूरत थी तुम्हें मेरा इंतजार करने? घर वापस ही आना था ना मुझे। ऐसा क्या गुनाह कर दिया है वहाब मैंने? देखो मिर्जा, तुम अपने काम से काम रखा करो। वहाब, आप बहुत अनरीजनेबल बात कर रहे हैं। मेरी टेंशन्स में मजीद इजाफा मत करो मंशा। मैंने क्या किया है? देखो मंशा, इस वक्त मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ और आधी से ज्यादा परेशानियां मेरी जिंदगी में तुम्हारी वजह से हैं। खुदा का वास्ता है तुम।
इसीलिए मेरा घर आने को जी नहीं करता। तुम्हारी इस बहस की वजह से ही मेरे इस घर में आने को दिल नहीं करता। क्या बहस की मैंने? ख्याल करो, पूछो तो जिंदगी ऐसा बना दी। चिक चिक कर रही हो, ना पूछो तो केयरलेस हो, फिक्र ही नहीं करती। ओह गॉड, ये मर्द। मैं अफजाल हाशमी बात कर रहा हूं। मैंने मालूम करना था कि आप लोगों को कोई इत्तला मिली। सर अभी रात के 2 बजे, अभी हम कैसे बता सकते हैं कि क्या हुआ? रात के 2 बजे हो या 4 बजे हो, आपका काम है मालूम करना। सर सुबह तो होने दें। कमाल है, लड़की के अगवा का मामला है, आप कह रहे हैं सुबह होने दें। सर आप खुद ही बताएं, अभी हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। जो हम ये घुमाएंगे और तमाम मुजरिमों का हमको पता चल जाएगा। मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या है। बाबा आपको क्या लगता है, हमें इन लोगों को तफसील बता देनी चाहिए? हरगिज नहीं। हमने तभी गायब है, पुलिस वालों को पता चल गया ना तो वो तुम्हें थाने कचहरियों के चक्कर में रोज बुलवाया करेंगे। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। आखिर ये भला तुम्हें चिमटी कैसे? वो मंशा की दोस्त है, उसी ने उसको मेरे पीछे लगाया है। अच्छा, नहीं वो क्यों? वो बाबा, अब वो मुझसे बदला लेना चाहती है, और क्यों? इसी वजह से तो उसने उस लड़की को मेरे पीछे लगाया है। तो ये बात तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताई? ये तो बहुत अहम बात है, उस लड़की से पूछ गछ करनी चाहिए। हाँ तो आप ये बात बताए ना अमृत के बॉस को। हाँ बिल्कुल बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा।
फरमाया, मैंने खुद बात की है सुनैना से। तो फिर क्या हुआ? तो समझने की कोशिश करो, शी इज इन दुबई, वो दुबई में। दुबई में हो या अमेरिका में, ये काम उसी ने किया है। वो क्यों करवाएगी यार तुम्हारी बहन को किडनैप? मुझे तंग करने के लिए और क्यों? बिल्कुल बेतुकी बात। अब तुम अगवा में भी लॉजिक ढूंढ रहे हो? नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि उसके पास कोई वजह नहीं है तुम्हारी बहन को किडनैप करवाने की। वजह हो या ना हो, मेरी बहन को सुनैना के अलावा कोई अगवा करवा ही नहीं सकता। अच्छा तुम सोचो जरा, अगर उसने किडनैप करवाना ही होता तो तुम्हें करवाती ना। मुझे तो लग रहा है उसने तुमसे दो मिनट बात करके तुम्हारा ब्रेन वॉश ही करके रख दिया है। ब्रेन वॉश? मैं कोई बच्चा हूँ जो आसानी से कोई मेरा ब्रेन वॉश कर देगा? तो फिर तुम उसकी साइड क्यों ले रहे हो? देखो मैं साइड नहीं ले रहा, लॉजिकल बात करो। साइड नहीं ले रहे हो तो और क्या कर रहे हो? हाँ, बजाय इसके कि तुम मेरी बहन को बाजियाब करवाओ, ऊपर से तुम मुझे ही लेक्चर्स दे रहे हो। मैं बस ये कह रहा हूँ कि हम वक्त जाया ना करें, सुनैना पे शुबा करने का कोई तुक नहीं है। कितनी तेज है वो, उसने तुमसे दो मिनट बात करके तुम्हें बेवकूफ बना दिया और तुम इतनी आसानी से बन भी गए। कमॉन यार, खुदा का वास्ता, अगर तुम मुझसे लड़ने के बजाय कोई काम की बात करो तो मसला हल हो जाए। मुझे कुछ नहीं पता शहाब, मेरी बहन अगवा है और मुझे मेरी बहन वापस चाहिए और उसे तुम ही बाजियाब करवाओगे। मैंने तुम्हें कहा था कि माया को अगवा करना है। हाँ तो उसी को तो किया है। तुमने उसकी बहन को अगवा कर लिया है। क्या मतलब? मतलब तो मैं तुम्हें पाकिस्तान आकर बताऊंगी। लाखों रुपए मैंने तुम्हें इसलिए दिए थे कि तुम इतनी बड़ी गलती करो। हमने तो पूरी रैकी की थी। बड़ा आया, रैकी की थी तभी गलत लड़की उठा ली। आपने तो कहा था कि वो 4 बजे अपने बाप के साथ निकलती है, वो अपने बाप के साथ ही थी जब हमने उसे उठाया। शक्ल तो देख लेनी थी अगवा करते वक्त। अगवा करते वक्त शक्ल देखने का टाइम होता है क्या? मेरा तो दिमाग खराब था जो मैंने तुम्हें हायर किया। मैडम अगवा करना कोई आसान काम नहीं है। तो पैसे कमाना भी कोई आसान काम नहीं है? मैंने तुम्हें कोई कम रकम नहीं दी थी ये काम करने के लिए? अब क्या करें? सबका शक मुझ पर जा रहा है। क्या करें फिर? मैं काम करो, उसके बाप को तावान की पर्ची भिजवा दो। तावान की पर्ची उस एरिया की लड़की के लिए? मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। उसके बाप को पर्ची भिजवाओ कि हमें 25 लाख रुपया दे। पहले तो आपने कहा था कि उसको मार देना है। तुम पहले इसके बाप को पर्ची भिजवाओ, मगर इस लड़की को कुछ नहीं कहना। ठीक है मैडम। मैं कब तक इसी तरह घर में बंद रहूंगी? मैं इतनी क्या बेचैनी हो रही है बाहर जाने की? पापा मेरे कॉलेज का हर्ज हो रहा है। अस्सलाम बानो खाला। वालेकुम अस्सलाम। शोएब मियां, कुछ पता चला? नहीं खाला, अभी तो पता नहीं चला, लेकिन चल जाएगा। अरे तुम कैसे बाप हो, बेटी अगवा हो गई और तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है? फिक्र करने और भाग दौड़ करने से क्या वो जल्दी मिल जाएगी? शर्म आनी चाहिए शोएब मियां, बजाय इसके कि तुम भाग दौड़ करो, मजे से बैठे खाना खा रहे हो। उसका बॉस कर रहा है ना कोशिश। अरे तुम उसके बाप हो, बाप के होते हुए गैर लोग कोशिश कर रहे हैं। बानो खाला ज्यादा बातें ना करो, मैं वैसे ही बड़ा परेशान। हाँ तुम्हारी परेशानी तो नजर ही आ रही है। बानो खाला, हम अपनी पूरी कोशिश कर तो रहे हैं, मगर आप जानती तो हो किस तरह के मामलात में लग जाता है वक्त। वो तो नजर ही आ रहा है कितनी कोशिश कर रहे हो तुम लोग।
गजब खुदा का, मोहल्ले में तरह तरह की बातें हो रही हैं और यहाँ बाप देखो बेफिक्र होकर बैठा हुआ है, कोई फिक्र ही नहीं है। बानो खाला, ज्यादा बातें मत करो और जाओ यहाँ से। हाँ हाँ जा रही हूँ, मैंने तो पहले ही कहा था इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं, जरा फिक्र करो। अरे मेरी सुनता ही कौन है, देखा ना वो ही हुआ जो मैं कह रही थी। क्या अमृत किडनैप हो गई? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? अली मोहम्मद जो प्यून है उसके मोहल्ले में रहता है, तभी वो कल फोन नहीं उठा रही थी। लेकिन कुछ पता चला कब हुआ ये सब कुछ और किसने किडनैप करवाया? जिस दिन उसने ऑफिस से छुट्टी की थी उसी दिन किडनैप हुआ है, घर के पास ही से। मगर फिर भी आपको कुछ पता चला कि किसने किडनैप करवाया? पता नहीं, आपको तो पता है अली मोहम्मद जाहिल सा आदमी है, उसने तो उल्टी सीधी बातें बताई हैं कि अमृत की रेपुटेशन मोहल्ले में जरा सी कुछ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको तो पता है ऐसे इलाकों में अगर गाड़ी छोड़ने या लेने आए तो कैसी कैसी बातें बनना शुरू हो जाती है। अफजाल साहब मुसलसल उसके घर जा रहे हैं। अफजाल साहब? लेकिन वो क्यों जा रहे हैं? अब आप खुद ही सोच लें कि क्यों जा रहे होंगे उनके घर। अच्छा, और उसके बाप की मदद कर रहे हैं अमृत को ढूंढने में और इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, कुछ अजीब सा लग रहा है। हो सकता है कि वो जेन्युइनली परेशान हो अमृत के लिए, इसी वजह से उसके घर जा रहे हैं। बगैर किसी रिश्ते या ताल्लुक के इतना इंटरेस्ट लेना कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, आप जाइए। अफजाल साहब, मैंने आपको एक बात बतानी थी। जी कहिए। मुझे लगता है कि अगवा करने वालों ने माया के धोखे में अमृत को अगवा कर लिया है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। ये बात आपने मुझे पहले से नहीं बताई। बेटी का मामला है सर, मेरी समझ में ही नहीं आया कि मैं आपको कैसे बताऊं। जो अगवा हो गई है वो भी तो आप ही की बेटी है। हाँ, इससे मुझे भला कब इनकार है, लेकिन मुझे डर था कि अगर मैं ये बात बताऊंगा तो मेरी दूसरी बेटी को नुकसान न पहुंच जाए। देखें, आप मुझे पूरी बात खुलकर बताइए। देखिए सर, लड़कियों लड़कियों में झगड़ा हो गया, जिस लड़की से मेरी बेटी का झगड़ा हुआ था उसने करवाया है ये सब। किससे झगड़ा हो गया था? कौन लड़की? मेरी समझ में कुछ नहीं आया। वो लड़का आया था ना उस दिन हमारे घर, उसकी कजन है। कौन सा लड़का? अरे उस दिन आप आए थे ना तो वो लड़का भी था, मैं उसे डांट रहा था यही। अच्छा, मगर वो लड़का तो बड़ा सुलझा हुआ लग रहा था, फिर तो उसकी कजन इतनी क्रिमिनल कैसे हो गई? आप लोग ऐसे कैसे गिरफ्तार करने आ सकते हैं बगैर किसी सबूत के? सबूत वगैरह सब बाद में मिल जाएंगे, हमारे पास मंशा के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट है। तुम्हारी भतीजी को अंदाजा ही नहीं कि उसकी वजह से हम लोग कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। सर, आप लोगों को गलत फहमी हो रही है, मंशा भला ये सब कुछ क्यों करवाएगी? अगर मंशा इस केस में इन्वॉल्व निकली तो मैं फिर कोई लिहाज नहीं करूंगा।